गाजीपुर में लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को छूट दिए जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए काशीपुर नगर निगम में स्थानीय प्रशासन ने व्यापार मंडल अधिकारियों के साथ बैठक ली और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की अपील की। बता दें कि काफी लंबे समय के बाद व्यापारियों को पूरा बाजार खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी थी। बाजार को खोलने के लिए प्रशासन ने व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन व्यापारियों को छूट मिलने के बाद बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए व्यापार मंडल के साथ बैठक ली और व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए निर्देशित किया, जिसके चलते व्यापार मंडल द्वारा पोस्टरों के माध्यम से व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील की जाएगी। लॉकडाउन 4 चालू हो गया, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। इसी संबंध में माननीय MNA साहब और SDM साहब ने मीटिंग बुलाई थी कि मार्केट में जो है, जैसे ही मार्केट खुली है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। त्यौहार की वजह से मार्केट में भीड़ जुट रही है और इसे हम कम कैसे किया जाए, तो माननीय MNA साहब और SDM साहब ने कुछ सुझाव दिए कि जैसे बैरिकेडिंग होनी चाहिए और मार्केट में जो व्यवसायी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमने ये सुझाव दिया कि हम लोग कल से कैंपेनिंग चालू कर रहे हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल मार्केट में, एक ग्रुप बना के उसमें हम एक स्टिकर जो ये है ये सब दुकानों पे चिपकाएंगे और सबको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए सबको जागरूक करेंगे और ये बताएंगे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। राउंड 4 में हम लोग ने आपस में अंतर मंथन किया था, जो यहाँ पर SP साहब हैं, मैंने, SDM साहब ने, और व्यापार मंडल के साथ हमने सोचा कि इसको शेयर करें और बहुत अच्छा रहा। व्यापार मंडल और जिला प्रशासन इसमें एक ही लाइन पर सोच रहा है कि शहर को संक्रमण मुक्त कैसे रखा जाए, और उसके सापेक्ष कुछ निर्णय लिए गए हैं जो मैं अभी कार्यवर्ग के तौर पर जारी करूंगा। कुल मिलाकर कल से ही हम लोग यहाँ पर शहर में जो मुख्य बाजार में बहुत ज़्यादा अनियंत्रित भीड़ हो रही है उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें एक बड़ा मैसेज मैं समस्त व्यापारी बंधुओं को देना चाहूँगा कि कृपया अपने आप को आप भी संक्रमण से बचाने की सबसे पहले कवायद कीजिए, और अगर आपके दुकान के बाहर अनियंत्रित किस्म के लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, तो हम उनका भी चालान करेंगे। लेकिन मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, व्यापार मंडल व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा कि अपनी दुकानों के अंदर आप अनावश्यक भीड़ न लगवाएं, फिर उसमें आपकी भी जवाबदेही तय होगी। और कुल मिलाकर के शहर में जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है और रेस्टों की व्यवस्था है और ये मुख्यतः जो है वाहनों का आवागमन कैसे होगा, इस पर बड़ी सार्थक परिचर्चा हुई।